जिला विकास आयुक्त शोपिया चौधरी मोहम्मद यासीन ने कल जैनपोरा में गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सेंटर वाची का उद्घाटन किया, जिसे जेएनके पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा एक निर्धारित समय के भीतर 1.76 करोड़ रुपए की अनुमति खर्च के साथ पूरा किया गया। इस समारोह में लोगों ने विभिन्न मुद्दों और मांगों को उठाया। डीडीसी ने लोगों को आश्वासन दिया और कहा कि उनकी वास्तविक मांगों और मुद्दों का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएचई उस क्षेत्र के लोगों को सभी चिकित्सा सुविधा प्रदान करेगा, जिसके लिए वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। पीडीडी द्वारा किए गए कार्यों की गति का जायजा लेने के संबंध में डीडीसी ने क्षेत्र में एक बैठक बुलाई और पीडीडी के अधिकारियों से निष्ठा के साथ काम करने का आह्वान किया, ताकि वाची क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। और साथ ही आरएनबी डिवीजन शोपिया के माध्यम से 3.90 करोड़ के खर्च पर आने वाला नाला रंबियारा में हो रहे कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इंजीनियरों से प्रभावित होकर निर्देशित किया कि निर्माण कार्य 2 महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, जो क्षेत्र के लोगों की लंबित मांग है।